हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हम कक्षा 6 की संस्कृत क्वेश्चन पुस्तक का 5वां पाठ मम विद्यालय पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। उषा चेतने तव विद्यालय पुत्रास्ति। उषा कह रही है चेतन से, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? चेतना, मम विद्यालय अत्र एव नगरे अस्ति। चेतना, मेरा विद्यालय यही नगर में है। तत्र एक सुंदर पुस्तकालय, एकम विशालम क्रीड़ा गणम च स्थितः। वहाँ पर एक सुंदर पुस्तकालय है और एक विशाल बड़ा खेल का मैदान भी है। उषा, अस्तु। तव विद्यालयस्य पुस्तकालय की दृश्यानी पुस्तकानि सन्ति। उषा कहती है, अच्छा, तुम्हारे विद्यालय में कैसी पुस्तकें हैं? चेतना, मम विद्यालयस्य पुस्तकालय विविधाना विषयाणा पुस्तकानि सन्ति। मेरे विद्यालय में अलग अलग विषयों की बहुत सारी पुस्तकें हैं। उषा, समीचीनम। उषा कहती है, ठीक है। तब विद्यालय कति शिक्षिका सन्ति। तुम्हारे विद्यालय में कितनी अध्यापक हैं? चेतना, मम विद्यालय 5 शिक्षिका सन्ति। मेरे विद्यालय में 5 शिक्षिकाएं हैं। ते सर्वे महर्षि तुल्या कर्तव्य प्रायणा शिष्य वत्सलाश्च सन्ति। वे सभी ऋषियों के समान हैं, कर्तव्य प्रायण हैं और शिष्यों के प्रति वात्सल्य का भाव रखने वाली हैं। उषा, किम तत्र विद्यालयोदानपि अस्ति। उषा कहती है कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या उषा कहती है कि क्या तुम्हारे विद्यालय में कोई उद्यान भी है? विद्यालयोद्यानमपि कहते हैं उद्यान। क्या तुम्हारे विद्यालय में कोई उद्यान भी है? चेतना, एवं मम विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। हाँ, मेरे विद्यालय में एक बहुत ही सुंदर उद्यान है। यत्र मनोहरणी पुष्पाणि विकसन्ति। वहाँ पर बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। पुष्पाणि कहते हैं फूल, फूल खिले हुए हैं। उषा, तब विद्यालय अन्यत किमस्ति। कहते हैं, तुम्हारे विद्यालय में और क्या है? उषा कहती है चेतना से कि तुम्हारे विद्यालय में और क्या है? चेतना, मम विद्यालय संगणक कक्ष अपि सन्ति। मेरे विद्यालय में संगणक कक्ष कहते हैं कंप्यूटर का कमरा। मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर का कमरा भी है। उषा, समीचीनम, अच्छा है। तव वस्त्राणि तु नूतनानि दृश्यन्ते। तुम्हारे वस्त्र नए हैं। कुत स्वीकृत व्रती। उषा कहती है कि तुम्हारे विद्यालय तुम्हारे वस्त्र नए हैं, कहाँ से दिए हैं? कुत कृतवती कहते हैं, कहाँ से स्वीकृतवती, कहाँ से लिए हैं? चेतना, किं त्वं न जानासि यते मम विद्यालय सर्वेभ्य छात्रेभ्य निःशुल्कं पुस्तकं स्यूत पादत्राणि वस्त्राणि च दीयन्ति। चेतना कहती है, क्या तुम नहीं जानती, त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, मम विद्यालय सर्वेभ्य, मेरे विद्यालय में सभी छात्रेभ्य छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, स्यूत कहते हैं स्कूल बैग, पादत्राणि कहते हैं जूते और वस्त्र आदि दिए जाते हैं। उषा, तर्हि बहु सम्यक, ये तो बहुत अच्छा है। एव श्रूयते यत् तव विद्यालये मध्याह्न भोजनमपि लभ्यते। ऐसा सुना जाता है कि तुम्हारे विद्यालय में दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। चेतना, सत्यमुक्तम त्वया, तुमने सही कहा। मम विद्यालये प्रतिदिनं निःशुल्कं भोजनं लभ्यते। मेरे विद्यालय में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन दिया
जाता है। एतर्थ एका पाकशाला अस्ति, वहाँ एक भोजनशाला भी बनी हुई है। तत्र धनेश्वरी सुशीला किशोरी चेती तिस्त्र भोजनम निर्माणम कुर्वन्ति, वहाँ पर धनेश्वरी सुशीला और किशोरी मिलकर के तीनों भोजन का निर्माण करती है। उषा बहुत उत्तम, बहुत अच्छा, तभी तब विद्यालय उत्तम, तब तो तुम्हारा विद्यालय बहुत ही अच्छा है। चेतना आम, चेतना कहती है आम, हाँ निश्चयेन मम विद्यालयम उत्तम, मेरा विद्यालय निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। मम विद्यालय से परीक्षा फलम प्रतिवर्ष श्रेष्ठ भवति, मेरे विद्यालय का परीक्षा फल प्रतिवर्ष बहुत ही अच्छा आता है। तत्र पठित्वा अहम आत्मान गर्वम अनुभवानि, और वहाँ पढ़ करके मुझे और मेरी आत्मा को बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। उषा सत्यम, सही कहा, सच है, एवं विद्या विद्यालय एवं देशस्य गौरवम वर्धयन्ति, तुमने बिल्कुल सही बात कही है, ऐसे विद्यालय ही देश का गौरव बढ़ाने के लिए आगे आते हैं या देश को गौरव बढ़ाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा पांचवा पाठ मम विद्यालय समाप्त हुआ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।